यूक्रेनी सेना का रशियन नाभि पर जोरदार अटैक। डोनेस्कु ब्लास्ट में रूसी टैंक को तहस नहस किया गया। एजोरोव दिका में रूसी काफिले पर ड्रोन से हमला हुआ। की वो ब्लास्ट में यूक्रेन ने रूस की मिसाइल गिराई। नवासी दिनों से जारी रूस यूक्रेन महासंग्राम की विध्वंसक तस्वीरों को देख आप हैरान रह जाएंगे। वार और पलटवार से होने वाली तबाही के मंजर को देख दंग रह जाएंगे। तस्वीरें डोनेस्क ओब्लास्ट की हैं, जहां यूक्रेन की 79वीं एयर असॉल्ट ने रूसी T-72 V3 टैंक का पीछा कर उस पर बम बरसाए। देखिए रूस का ये टैंक यूक्रेनी हमले को झेलने की बजाय युद्ध के मैदान में किस कदर भाग रहा है। हालांकि यूक्रेनी सैनिकों ने टैंक का पीछा करना नहीं छोड़ा और बारूदी गोले दाग रूस के T-72 टैंक को तबाह कर दिया। वीडियो में आप देख सकते हैं हमला किए जाने की वजह से टैंक धूं धूं कर जलने लगा है, जबकि रशियन सेना अपनी जान बचाने के लिए टैंक से निकलकर जंगल की ओर भागने लगते हैं। दूसरी तस्वीर भी रूस पर हुए पलटवार की है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने एक रूसी BMP पर बमबारी कर उसे तबाह और नेस्तनाबूद कर दिया। इतना ही नहीं, पश्चिमी हथियारों के दम पर यूक्रेन लगातार रूस पर पलटवार कर रहा है। बताया जा रहा है कि कीव ओब्लास्ट में यूक्रेनी एयरफोर्स ने रूसी मिसाइल को हवा में तबाह और बर्बाद कर दिया, जबकि कीव प्रशासन ने रूस के 50 ओरलान 10 ड्रोन को भी मार गिराने का दावा किया है। मारियोपोल के अजोवस्टल स्टील प्लांट का एक नया वीडियो सामने आया है। इसमें नए वीडियो में अजोवस्टल स्टील प्लांट में चारों तरफ तबाही के निशान दिख रहे हैं। रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमलों के बाद अजोवस्टल स्टील प्लांट खंडहर बन चुका है। यूक्रेन में मारियोपोल के अजोवस्टल स्टील प्लांट का नया वीडियो सामने आया है। यहाँ जगह जगह पर तबाही के निशान देखे जा सकते हैं। ये तस्वीरें ड्रोन कैमरे से ली गई हैं। पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो गया है। रूस का दावा है कि उसने मारियोपोल पर कब्जा कर लिया है और अजोवस्टल स्टील प्लांट में छिपे करीब 2500 यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। रूस ने इसे यूक्रेन के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी जीत बताया है। महीनों से यूक्रेन की सेना इस प्लांट पर रूस के कब्जे को रोकने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन रूस ने ताबड़तोड़ हमले को देखते हुए यूक्रेन की एक न चली और आखिरकार आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस बीच यूक्रेन के डोनबास इलाके में भी लड़ाई और तेज हो गई है। पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के दम पर यूक्रेनी सैनिक रशियन आर्मी का जबरदस्त मुकाबला कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक पुतिन का अगला निशाना मारियोपोल समेत पूरे डोनबास इलाके को अपने कब्जे में लेकर उसे रूस में शामिल करने का है। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन का करीब 1/4 हिस्सा एक बार फिर उसके हाथ से निकल जाएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।